गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द न्यू लेटेस्ट वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टडी अबाउट द जेंडर एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास इट मीन्स टूडेज क्लास वी विल स्टडी नंबर। नंबर क्या होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। नंबर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन, नंबर भी एक नाउन का ही पार्ट होते हैं। द नंबर रेफर्स टू द काउंट ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। नंबर का यूज हम नाउन या प्रोनाउन को काउंट करने के लिए करते हैं। इट मीन सिंगल है या डबल है या उनके अमाउंट 1-2 से ज्यादा है। तो जब हम किसी थिंग को काउंट करके उनका नंबर बताते हैं तो उसे हम नंबर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल हम बात करते हैं बॉय, बॉय शो कर रहा है कि ये 1 नंबर है। बॉयज इट मीन्स मोर देन 1, एक से ज्यादा है। ये प्रोनाउन माई मेरे लिए सिंगल के लिए यूज हो रहा है, जबकि आवर मैनी के लिए, हम सब के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह ऑक्स, ऑक्सन, इट, देख, इट मीन्स ये जो सिंगुलर वर्ड्स है ये सिंगल नंबर को शो करते हैं, जबकि प्लूरल वर्ड्स मोर देन 1 शो करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देर आर नंबर ऑफ 2 टाइप, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर इट मीन्स काउंट ओनली 1 नाउन और प्रोनाउन। ऐसा नंबर जो केवल 1 थिंग को काउंट करता है, 1 नाउन या प्रोनाउन को काउंट करता है, उन्हें हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। वाइल काउंट द मोर देन 1 ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। इट मीन्स प्लूरल नाउन के अंदर हम 1 या उससे अधिक को काउंट करते हैं। अब हमें ये मालूम चल गया कि नंबर के अंतर्गत 1 या 2 थिंग्स होती, 1 होती है तो उसे हम सिंगुलर नाउन करते हैं, और मोर देन 1 होती है तो उसे हम प्लूरल नाउन में रखते हैं। लेकिन सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से रूल है, इन्हें हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 1। इन जनरल एस इज यूज एट द एंड ऑफ ए सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल। जनरली हम सिंगुलर नाउन के अंत में एस ऐड कर देती हैं ताकि उन्हें हम प्लूरल नाउन बना सकें। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें पेंसिल, इट मीन्स नंबर ऑफ काउंटिंग 1, पेंसिल्स मोर देन 1, काउ, काउस, हाउस, हाउसेस, डॉग, डॉग्स। इट मीन्स ये जो नंबर्स हैं ये सिंगल, और इनमें हमने यहाँ पे एस करके इनको क्या बना दिया, प्लूरल फॉर्म बना दिया। अब रूल नंबर 2, देयर एग्जिस्ट एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड इन द एंड। अगर किसी नाउन में एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड अगर एंडिंग में हो तो उस कंडीशन में हम ई एस एड कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। इट मीन्स सिंगुलर नाउन के एंडिंग में एस, एस एस, सी एच, एक्स या जेड आने पे कौन सा वर्ड हम ऐड कर रहे हैं, ई एस। जैसे बी यू एस, एस आ गया तो इसको हम क्या बना देंगे, बसेज, बी यू एस ई एस। डी आई एस एच, इट मीन्स इसके एंडिंग में क्या आ गया, एस एच, तो यहाँ पे एंडिंग में क्या जुड़ जाएगा, ई एस, यानी डिशेज, डी आई एस एच ई एस। ब्रांच, बी आर ए एन सी एच, एंडिंग में सी एच है, ई एस एड हो जाएगा तो ब्रांचेज। फॉक्स, फॉक्सेस। रूल नंबर 3, वाइल प्रोनाउनिएशन ऑफ द सी एच, अगर प्रोनाउंसिएशन सी एच का के आ रहा है, अगर स्पेलिंग के एंडिंग में सी एच है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन के बन रहा है, उस कंडीशन में हम सी एच के जस्ट बाद में एस एड कर देते हैं। जैसे मोनार्क, यहाँ पे मोनार्च नहीं बोलेंगे हम इसे, इसे के की साउंड बोलेंगे, मोनार्क, तो ये मोनार्क्स बन जाएगा। स्टमक, स्टमक्स, इट मीन सी एच जब के की साउंड देती है तो हम ओनली एस ऐड करते हैं। व्हेन देयर ए वाई इन द एंड एंड ए कॉन्सोनेंट बिफोर दैट वाई, आई सब्स्टिट्यूट इट एंड एन ई एस देयर एड्स। जनरली स्पेलिंग के एंड में अगर वाई वर्ड आ रहे हैं तो हम उस y को रिमूव करके i वर्ड और उसके बाद ई एस वर्ड ऐड कर देते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि स्पेलिंग के एंड में अगर y आ रहा है तो y हटा के आई ई एस ऐड करना है। जैसे स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, वाई आ गया, इसमें इस y को हम हटा देंगे और क्या ऐड कर देंगे, आई ई एस,
क्या बन जाएगा? स्टोरीज, STORIES, हॉबी, वाई रिमूव हो जाएगा और IES लग जाएगा हॉबीज, आर्मी, वाई रिमूव, IES लग जाएगा आर्मीज, फ्लाई, वाई रिमूव, फ्लाइज, बेबी, बेबीज। रूल नंबर 5, बट इफ देयर इज ए वॉवेल अहेड ऑफ द वाई, अगर वाई से पहले कोई वॉवेल आ जाता है उस कंडीशन में हम वाई को रिमूव नहीं करते, ना ही हम ES ऐड करते हैं, हम ओनली एस वर्ड ऐड करते हैं। IES कब ऐड करेंगे? जब स्पेलिंग के एंड में वाई हो और कोई भी वॉवेल वर्ड नहीं आया हो। लेकिन अगर वाई से पहले वॉवेल वर्ड आ जाता है उस कंडीशन में हम वाई को रिमूव नहीं करते हैं, ओनली एस वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे आप देखें डंकी, DONKEY, वाई से पहले ई वॉवेल आ गया, अब हम इस वाई को रिमूव नहीं करेंगे, यहाँ पे ओनली एस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डंकीज। टॉय, TOY, तो ये TOYS, टॉयस। DAY, DAYS। अब आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ वाई इससे पहले ओ वॉवेल आ गया, इस वाई से पहले ए वॉवेल आ गया। इट मीन्स ये प्रूव करता है कि वाई से पहले अगर वॉवेल वर्ड आ रहा है तो वाई रिमूव नहीं होता है, ओनली एस वर्ड एड हो जाता है। रूल नंबर 6, अगर स्पेलिंग के एंड में ई एफ आ रहा है तो उस कंडीशन में हम या तो ई आ रहा है या एफ आ रहा है तो उस या एफ ई आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको वी ई एस से रिमूव कर देते हैं। एफ या ई एफ वर्ड, एफ ई वर्ड को हम रिमूव करके वहां पे वी ई एस लिख देते हैं। जैसे थीफ, THIEF, एफ आ रहा है एंडिंग में, एफ को हम रिमूव कर देंगे और वी ई एस कर देंगे, यानी थीव्स, THIEVS, WIFE, वाइफ, ये एफ ई वर्ड आ गया, इस एफ ई वर्ड को हम रिमूव करके वी ई एस वर्ड लिख देंगे। नाइफ, KNIFE, एफ ई रिमूव हो जाएगा और क्या जाएगा? वी ई एस। लीफ, LEAF, एफ रिमूव होके वी ई एस लग जाएगा, तो लीव्स। रूल नंबर 7, ES to be added if the noun is finished by O and a consonant place ahead. अगर हमारी स्पेलिंग के एंड में O वर्ड आ रहा है और उससे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है उस कंडीशन में हम ES वर्ड ऐड करते हैं। अब हीरो, HERO एंडिंग में क्या आ रहा है? O, और उससे पहले R कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम ES कर देंगे तो ये हीरोज बन जाएगा। मैंगो, मैंगोज, पोटेटो, पोटेटोज। रूल नंबर 8, बट व्हेन देयर्स ए वॉवेल बिफोर डेट ओ ओनली एस, अगर हमारे पास एंडिंग में ओ है लेकिन उससे पहले भी वॉवेल आता है उस कंडीशन में हम स्पेलिंग में कोई भी चेंज ही नहीं करेंगे, ओनली एस ही इंक्लूड कर देंगे। जैसे कुकू, तो कुकू में डबल ओ आ गया, इट मीन्स ओ के पहले वॉवेल आ रहे तो ये कुकूज बन जाएगा। बैम्बू, बम्बूज, स्टूडियो, स्टूडियोस। रूल नंबर 9, देयर्स एन ओ एंड ए कॉन्सोनेंट अहेड देन इट इज यूज ओनली एस, अगर हमारी स्पेलिंग के एंड में ओ है और उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है तो हम ओनली एस वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोस। रूल नंबर 10, सम रिक्वायर चेंजिंग द मिडिल वॉवेल ऑफ द वर्ड टू मेक इट प्यूलर। कई बार क्या होता है स्पेलिंग के मिडिल में जो वॉवेल आता है हमें उनमें कुछ चेंज करना पड़ता है प्यूलर बनाने के लिए। जैसे मैन, MAN, ए बीच में आ गया वॉवेल तो हम इसे ई में कन्वर्ट कर देंगे, मैन, MEN। वुमेन, वुमेन। फुट, FOOT, तो ये दोनों कन्वर्ट होके ई में हो जाएंगे तो FEET, फिट। माउस, अब ये माउस के अंदर ये MOUSE, इसका प्यूलर माइस बन जाएगा, MICE। टूथ, टीथ। रूल नंबर 11, सम रिक्वायर EN, REN and ANY टू एडेड लास्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम
अलग से वर्ड ऐड करने पड़ते हैं, उनका प्लूरल चेंज होता है, जैसे ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन। ये एक्सेप्शन कैसे इस टाइप्स के होते हैं, इनका प्लूरल डिफरेंट होता है। रूल नंबर 12, इफ मैंस मीन ह्यूमन बीइंग इन ए कंपाउंड नाउन, मैन रिप्लेसेस दैट मैन। अगर मेन वर्ड आता है जैसे फिशरमैन, सेल्समैन, इस कंडीशन में ये जो मेन है एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपाउंड नाउन को बता रहा है। इस कंडीशन में हम ये जो मेन है इसे एम ई एन मैन से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे फिशरमैन सभी मछुआरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स ये फिशर मैन बन जाएगा, सेल्समैन सेल्समैन। बट वेन मेन इज द जस्ट ए पार्ट ऑफ द वर्ड और इट रिफर्स टू एनी एथेनिक ग्रुप रेस द सिविलाइजेशन देयर कम्स एस। अगर कोई मेन वर्ड किसी ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, किसी कास्ट को इंडिकेट कर रहा है या किसी कंट्री के नेम को इंडिकेट कर रहा है, उस कंडीशन में हम ओनली एस वर्ड ऐड करते हैं। जैसे ब्राह्मण, अभी जो एम ए एन वर्ड आया है ये ब्राह्मण को इंक्लूड कर रहा है, ना कि पर्टिकुलर मेन को इंक्लूड कर रहा है, ये टोटल कास्ट को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एस ऐड कर देते हैं और ये ब्राह्मण्स बन जाता है। जर्मन, इट मीन्स पीपल हु लिव इन जर्मनी, इट मीन्स इट इज कॉल्ड जर्मन, तो इसका आगे क्या बन जाएगा, जर्मन्स। रूल नंबर 13, एस टू बी एडेड व्हेन देयर्स ए फुल इन द एंड। अगर किसी स्पेलिंग के एंड में फुल वर्ड आ रहा है, उस कंडीशन में हम स्पेलिंग के एंड में एस वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे हैंडफुल हैंडफुल्स, आर्मफुल आर्मफुल्स, स्पूनफुल स्पूनफुल्स। रूल नंबर 14, इफ कंपाउंड नाउन कंटेन्स सेवरल वर्ड्स, एस कम्स टू जॉइन विद द मेन पार्ट ऑफ द नाउन। अगर हमारे पास कंपाउंड वर्ड है और उस कंडीशन में हम मेन वर्ड के अंदर एस इंक्लूड करते हैं, जैसे ब्रदर्स इन लॉ, तो यहाँ पे ब्रदर इंपॉर्टेंट है तो हम क्या बनाएंगे, ब्रदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ। रूल नंबर 15, केस ऑफ एस कम्स इन एवरी पार्ट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके ईच पार्ट में एस इंक्लूड होता है, जैसे लॉर्ड जस्टिस तो लॉर्ड्स जस्टिस, मेन सर्वेंट तो मेन सर्वेंट्स। रूल नंबर 16, सम सिंगुलर नाउन हैव नो प्लूरल फ्रॉम ओनली यूजिंग सिंगुलर। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम उनको सिंगुलर नाउन में ही काउंट करते हैं, जैसे फर्नीचर, सीनरी, इशू, ब्रेड, एक्सपेंचर्स, ये जनरली सिंगल नाउन में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। रूल नंबर 17, सम आर ऑलवेज यूज इन ए प्लूरल नाउन। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल नाउन में ही यूज होते हैं, जैसे मम्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स। ये दिखने में एक होते हैं लेकिन इनके पार्ट्स टू होते हैं और ये वर्ड्स हमेशा प्लूरल कंडीशन में यूज होते हैं। रूल नंबर 18, सम नाउन सीन लाइक सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल। कुछ वर्ड्स दिखने में सिंगुलर हो रहे हैं लेकिन इनका मतलब जनरली प्लूरल कंडीशन होता है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक पर्सन से मिलके नहीं बनती है, गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स, इसके अंदर विधायक वगैरह इंक्लूड होते हैं, मिनिस्ट्री इंक्लूड होती है, इसलिए ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। पीपल, दिखने में पीपल दिख रहा है लेकिन इसके अंदर टोटल ह्यूमन बीइंग इंक्लूड हो जाता है, कैटल के अंदर सारे एनिमल्स इंक्लूड हो जाते हैं। रूल नंबर 19, सम नाउन सीन लाइक प्लूरल थ्रू दे आर सिंगुलर। कुछ नाउन हमें प्लूरल जैसे दिखते हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग के एंडिंग में एज है, तो ये लगते प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर वर्ड्स के रूप में यूज होते हैं। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट, इट मीन्स यूज एज ए सिंगुलर। पॉलिटिक्स, एथिक्स, न्यूज, विग्स, ये ऐसे वर्ड है जो जनरली सिंगुलर नाउन्स के रूप में यूज होते हैं। रूल नंबर 20, सम हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे डियर, शिप, स्पीसीज, क्रॉप्स। ये जो वर्ड्स है जनरली सिंगुलर वर्ड एंड प्लूरल वर्ड दोनों ही फॉर्म में होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं करते। इनके अगर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो अकॉर्डिंग टू टेंसेस हम इनको देखते हैं कि ये वर्ड सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है या प्लूरल के लिए। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हेल्पफुल होती है। रूल नंबर 21,
मटेरियल और सब्सटेंस यूज इन द सिंगुलर फॉर्म। हमारे जो मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, इट मीन जैसे कॉपर, आयरन, वुड वगैरह, ये सब सिंगुलर वर्ड्स होते हैं। रूल नंबर 22, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नॉट काउंटेबल सो दे हैव नो प्लूरल फॉर्म। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन फीलिंग्स, लव, एंगर, ब्यूटी, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही काउंट करते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। सम नाउन डेट एंड विद ऑन एज द सिंगुलर, कुछ ऐसे वर्ड जिनके एंडिंग में ऑन वर्ड आता है उनका सिंगुलर से फिनोमिनन है, इसका फिनोमिना बन जाएगा, क्रिएशन है, क्रिएटिया बन जाएगा। सम एक्सेप्शन केसेस है, कैक्टस, इसका प्यूलर कैक्टी होता है, स्टिम्यूलस स्टिम्यूली होता है, एंटीना एंटीनी होता है। तो ये थे आपके नाउन का नंबर पार्ट, जिसके अंदर सिंगुलर नंबर से प्यूलर नंबर कैसे बनाए जाते हैं, उन रूल्स को आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे से स्टडी करेंगे और दिए गए वर्क को प्रॉपरली करेंगे।